हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास आई एम प्रियंका आचार्य योर बायोलॉजी टीचर सो स्टूडेंट्स हम देख रहे थे क्लास टेंथ का चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन हमने लेक्चर वन डिस्कस किया लेक्चर वन में हमने डिस्कस किया व्हाट इज रिप्रोडक्शन व्हाट इज हेरिडिटी एंड व्हाट इज वेरिएशन सो आफ्टर दैट स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड लेक्चर की तरफ लेक्चर नंबर टू सो लेक्चर नंबर टू में हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर टू में हम इसके अंदर देखेंगे लाइफ ऑफ मेंडल स्टूडेंट्स हेरिडिटी से रिलेटेड जब हेरिडिटी हमने बोला ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ ऑफ फ्रॉम फ्रॉम वन वन जनरेशन 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 टू टू द द नेक्स्ट नेक्स्ट और कैरेक्टर्स सो so, एक कैरेक्टर्स so, किसकी फॉर्म में डिसाइड होते हैं जीन्स डिसाइड करते हैं so, ट्रांसफर जीन्स होते हैं जो कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं तो स्टूडेंट्स उनके बारे में स्टडी करके हमें बताया किसने कि हेरिडिटी होती है इनहेरिटेंस होता है कुछ हेरिडिटी के लॉज होंगे स्टूडेंट्स वो लॉज किसने दिए कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉज दिए जिन्होंने कंप्लीट एंटायर अपनी लाइफ जो है वो इन एक्सपेरिमेंट्स में निकाल ट हेरिडिटी होती है दट हेरिडिटी इनहेरिटेंस होती है सो so स्टूडेंट हमारे पास एक साइंटिस्ट आज मैंडल क्या है स्टूडेंट्स उनका पूरा नाम ग्रेगर जोन में स्टूडेंट हमें ये बताया दट कैरेक्टर्स और जीन्स कैरेक्टर्स जो है वो जीन्स की फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं मदर एंड फादर दोनों कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं किसके फॉर्मेशन में स्टूडेंट्स वो कंट्रीब्यूट करते हैं स्टूडेंट्स किसके फॉर्मेशन में ऑफ स्प्रिंग के फॉर्मेशन में नेक्स्ट जनरेशन के फॉर्मेशन में सो so, कौन आए कौन सा साइंटिस्ट है ग्रेगर जोन मेंडल स्टूडेंट्स हेरिडिटी और इनहेरिटेंस साइंस की दैट ब्रांच दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द स्टडी ऑफ हेरिडिटी जिसमें हम हेरिडिटी करते हैं बोले कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए ग्रेगर जोन मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए ग्रेगर जोन मेंडल ने स्पेशली ने पूरा नाम लेने की जगह शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कि मैंडल ने तो फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कौन फादर ऑफ जेनेटिक्स को कौन कौन बोला गया फादर फादर ऑफ ऑफ जेनेटिक्स जेनेटिक्स भी ग्रेगर मेंडल को बोला गया किसको बोला गया स्टूडेंट्स ग्रेगर मेंडल को बोला गया सो आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं व्हाट इज द लाइफ ऑफ मेंडल ग्रेगर जोन मेंडल की लाइफ क्या है मदर एंड फादर कंट्रीब्यूट इक्वल क्वांटिटी ऑफ जीन्स हमने देखा स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हेरिडिटी की हम बात करें तो मदर एंड फादर दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे 50% परसेंट कैरेक्टर्स आएंगे फ्रॉम फादर 50% परसेंट कैरेक्टर्स आएंगे फ्रॉम मदर और ये किसमें पार्टिसिपेट करेंगे स्टूडेंट व्हेन कंट्रीब्यूशन इज इक्वल देन द फॉर्मेशन ऑफ ऑफ स्प्रिंग डिफरेंट ट्रेट ऑफ द चाइल्ड स्टूडेंट्स एक बार इधर ध्यान से देखना फादर ने फादर uh, ने कंट्रीब्यूट किया 50 परसेंट कैरेक्टर्स को या हम बोले 50 परसेंट जीन्स को या हम बोले फिफ्टीन परसेंट क्रोमोजोमोजोम को स्टूडेंट्स एक बात है कि हमने बोला कि क्रोमोजोम किसमें प्रेजेंट होते हैं क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं पेयर्स में किसमें पेयर्स में सो so, अगर हम ह्यूमन की बात करें स्टूडेंट्स तो टोटल फोर्टी सिक्स होंगे कितने होंगे स्टूडेंट्स फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम होंगे कितने फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं किसमें ह्यूमन में फोर्टी सिक्स मदर में है एंड फोर्टी में है 46 mother में and 46 father में, जब हाफ कंट्रीब्यूट करेंगे कितना हाफ कंट्रीब्यूट करेंगे तो 46 सिक्स मीन हम ये कह सकते 46 सिक्स मदर में 46 सिक्स फादर में तो 46 के हाफ ये कह सकते हैं दे आर 23 थ्री पेयर कितने students? 23 ट्वेंटी थ्री पेयर आल्सो थ्री पेयर तो हम ये कह सकते हैं कि ये अपना एक सिंगल पेयर कॉन्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें नेक्स्ट जनरेशन के फॉर्मेशन में बिकॉज स्टूडेंट हमें नेक्स्ट जनरेशन जो बनानी है वो भी फोर्टी सिक्स ही बनानी है ट्वेंटी थ्री पेयर ऐसा नहीं है कि 46 एंड 46 को कंक्लूड करके आप ये जनरेशन जो बनाओ वो ज्यादा बना दो नंबर में ज्यादा हो जाए ऐसा आप नहीं कर सकते हो 92 क्रोमोसोम्स की पॉसिबल ही नहीं है सो so, स्टूडेंट्स हमें क्या करना है हमें करना है कि हाफ आएंगे फादर से हाफ आएंगे मदर से सो so, अगर हम देखें हाफ 23 थ्री पेयर दैट मीन्स ये कैसी है 2n एन है ट्वेंटी थ्री पेयर क्लियर ये भी कैसे हैं, 2n एन है ट्वेंटी थ्री पेयर सो स्टूडेंट्स ये भी अपने क्रोमोजोम का सिंगल पेयर बाय स्पम डोनेट करेंगे और ये भी अपने क्रोमोजोम का सिंगल पेयर बाय ओवम क्या करेंगी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी या हेरिडिटी इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करेंगे सो so इनके फोर्टी सिक्स के ट्वेंटी थ्री इधर से आए ट्वेंटी थ्री मदर से आए ट्वेंटी थ्री फादर से आए क्या अब फर्टिलाइजेशन के रिजल्टेंट फोर्टी सिक्स बने क्या ये फिर से फोर्टी सिक्स हो गया ट्वेंटी थ्री पेयर हो गया स्टूडेंट्स आपको ये बात क्लियर है एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा फादर एंड मदर कंट्रीब्यूट करते हैं नेक्स्ट जनरेशन के फॉर्मेशन के लिए सो नेक्स्ट जनरेशन फादर में 46 क्रोमोसोम्स है 2n 23 पेयर मदर में भी फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम ट्वेंटी थ्री पेयर सो स्टूडेंट्स अपना हाफ पेयर इसको डोनेट कर देंगे हाफ पेयर इसको कॉन्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम्स फादर से है ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम्स मदर से है दोनों ने पेयरिंग करके क्या कर लिया स्टूडेंट दोनों ने पेयरिंग करके फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स का मतलब सेम क्रोमोजोम्स का सेम स्पीशीज का

हंड्रेड परसेंट फादर से भी इक्वेलेंट नहीं है इक्वल नहीं है हंड्रेड परसेंट मदर से भी इक्वल नहीं है डिफरेंस आ रहे हैं, प्लस वेरिएशंस आ रहे हैं डीएनए कॉपी के टाइम पर क्यों आते हैं वेरिएशंस डीएनए कॉपी के टाइम पर सम वेरिएशंस आते हैं स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट टू आंसर ऑल दीज अनसर्ड क्वेश्चन यू हैव टू अंडरस्टैंड साइंटिस्ट ग्रेगर जॉन मेंडल क्योंकि इन सब के क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए ही ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए सो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स so, आइए हम ग्रेगर जॉन मेंडल की लाइफ हिस्ट्री देखते हैं कि वो कहाँ पर कब उनका बर्थडे आता है स्टूडेंट्स अ चाइल्ड इज बोर्न ऑन 20 जुलाई 1822 20 जुलाई 1822 को ग्रेगर जॉन मेंडल जो है उनका बर्थ हुआ ही वेंट इन अ मोनेस्ट्री फॉर एजुकेशन वो एजुकेशन के लिए मोनेस्ट्री में गए स्टूडेंट्स आफ्टर दैट यूनिवर्सिटी ऑफ वियना देन ही वेंट ऑन टू स्टडी साइंस एंड मैथमेटिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वियना यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में उन्होंने साइंस एंड मैथमेटिक्स की स्टडी की ही अपियर इन द एग्जामिनेशन फॉर टीचिंग सर्टिफिकेट एंड फेल्ड उन्होंने टीचिंग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया एज अ टीचर के लिए अप्लाई किया उन्होंने बट क्या हो गए वो फेल हो गए बट द फेलियर डिड नॉट सप्रेस हिजील फॉर साइंटिफिक ऐसा नहीं है कि वो फेल हो गए तो वो डिसअपॉइंट हो गए उन्होंने कंटिन्यूसली बिकॉज ही हैज अटिफिक ब्रेन तो उन्होंने साइंटिफिक रीजन की तरफ अपना जो था इंटरेस्ट वो कंटिन्यूसली रखा दोबारा वो मोनिस्ट्री में आए ही केम टू ही वेंट बैक टू हिज मोनिस्ट्री एंड स्टार्टेड ग्रोइंग पीज और उन्होंने मोनिस्ट्री में आकर के अब क्या कर दिया मटर पीस को उगाना शुरू कर दिया सो so दैट अब वो रिजल्ट मेंडल के लॉ जो हैं या इनहेरिटेंस के लॉ जो हैं उनके बारे में बता सकेंगे

कंक्लूजन जो उसको नोट डाउन करते रहे सो so, स्टूडेंट्स उन्होंने जितना भी नॉलेज था वो सब साइंस एंड मैथमेटिक्स का उस पर लगा दिया और सिर्फ वही ऐसे इंडिविजुअल थे या वही ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स दैट ईच जनरेशन में एक पर्टिकुलर ट्रेड जो है वो एग्जिबिट होता है धीरे धीरे इसका पता लगाया दिस हेल्प हिम टू अराइव एट द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस और इसी के कंक्लूजन से उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स लॉ ऑफ इनहे जो है वो पब्लिश किए लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए जिन्हें हम मेंडल के लॉ भी बोलते हैं लॉ ऑफ मेंडल भी बोलते हैं या इनहेरिटेंस के लॉ भी बोलते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस सो स्टूडेंट उन्होंने क्या किया उन्होंने मेंडल ने पी प्लांट पर अपने एक्सपेरिमेंट किए मटर पर अपने एक्सपेरिमेंट किए अपन ये कह सकते हैं अब मेंडल के एक्सपेरिमेंट हमने ये तो देख लिया किए गार्डन पी पर एक्सपेरिमेंट किए पर क्या एक्सपेरिमेंट किए ने गार्डन पी पर सो स्टूडेंट्स एक बार ध्यान से सुनिएगा मेंडल का बर्थडे कब आता है 20 जुलाई 1822 ट्वेंटी टू सो स्टूडेंट्स मेंडल उसके बाद में मोनेस्ट्री गए एजुकेशन के लिए उन्होंने टीचर के लिए टीचर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया बट वो फेल हो गए वापस मोनेस्ट्री में आया और उन्होंने क्या किया जितनी उन्हें मैथ्स एंड साइंस आती थी दोनों को कंट्रीब्यूट करके उन्होंने गार्डन पी पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए आफ्टर दैट उन्होंने कुछ रिजल्ट का कंक्लूजन किया पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम देखें मेंडल ने ऐसे क्या एक्सपेरिमेंट किए मेंडल्स ने ट्रेड्स कैरेक्टर्स को लेकर एक्सपेरिमेंट किए मेंडल ने कैरेक्टर्स को स्टूडेंट्स ट्रेड्स नाम दिया मेंडल ने ट्रेड्स को लेकर स्टडी किया तो क्या स्टडी किया मेंडल ने कैरेक्टर्स को लिए स्टूडेंट्स जो क्लियर विजिबल है कैसे हैं क्लियर विजिबल है दैट मीन्स आप नेकेडज से देख पता लगा सकते हो कि ये कैसा है पोर्ड का शेप कैसा है फ्लावर का कलर कैसा है सीड का कलर कैसा है सीड का शेप कैसा है सब आपको क्लियर विजिबल होगा प्लांट टॉल है या डॉफ है उसकी हाइट कैसी है सो दैट मीन्स स्टूडेंट्स मैंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स लिए गार्डन पी के ऐसा नहीं है एक पी प्लांट में तो बहुत सारे कैरेक्टर होंगे उनके लीव्स होंगे उनके स्टेम्स होंगे कितने ब्रांचेस निकल रही हैं उनके रूट्स कैसी है बहुत सारे रेक्टर्स होंगे पी प्लांट में बट उन्होंने कुछ ही कैरेक्टर्स को लेकर के स्टडी किया तो सबसे पहले मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो गार्डन पी पर किया और गार्डन पी पर भी कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को लेकर के स्टडी की क्या मेंडल का एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट पॉइंट आप सभी को क्लियर है स्टूडेंट्स आइए देखते हैं लेट्स स्टडी मेंडल्स एक्सपेरिमेंट विद पी प्लांट इन डिटेल सो स्टूडेंट्स मेंडल का एक्सपेरिमेंट है मेंडल यूज्ड विजिबल

तो पाइसम सेटाइव पर उन्होंने सेवन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए जो कि कैसे हैं इजीली विजिबल हैं जो कि कैसे हैं स्टूडेंट्स इजीली विजिबल हैं और वो सेवन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट वन इज हाइट ऑफ द प्लांट कैसा लिया हाइट ऑफ द प्लांट अब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हाइट में क्या क्या हुआ है या तो टॉल होगा और ड्रॉफ होगा कैसा होगा स्टूडेंट्स टॉल होगा सो टॉल है तो भी आपको क्लियर विजिबल है डॉफ है तो भी आपको क्लियर विजिबल है आफ्टर दैट क्या टॉल एंड डॉफ सिर्फ हाइट ऑफ द पी प्लांट लिया एक कैरेक्टर हुआ सेकेंड लिया कलर ऑफ फ्लार फ्लार का कलर लिया स्टूडेंट्स पर्पल एंड व्हाइट कौन सा लिया पर्पल लिया पर्पल कलर फ्लावर लिए एंड व्हाइट कलर फ्लावर लिए किसमें गार्डन पी में नेक्स्ट उन्होंने देखा सीड का शेप देखा स्टूडेंट सीड शेप कैसा है राउंड है या रिंकल्ड है कैसा है सीड शेप स्टूडेंट्स या तो राउंड है या रिंकल्ड है फोर्थ तो उन्होंने लिया सीड का कलर लिया कलर कैसा है सीड का येलो है कि ग्रीन है येलो है या ग्रीन है सीड कलर उसके अलावा और उन्होंने क्या एक्सपेर क्या लिया ये तो फोर कैरेक्टर्स हुए नेक्स्ट पोड कलर लिया पोड कलर कैसा है पोड कलर ग्रीन है या येलो है पोड कलर कैसा है या तो ग्रीन होगा या येलो होगा नेक्स्ट उन्होंने क्या लिया स्टूडेंट्स नेक्स्ट उन्होंने कैरेक्टर लिया पोड शेप शेप कैसा है पोड का या तो फुल है या कॉन्स्ट्रिक्टेड है या तो फुल है या कैसा स्टूडेंट्स कॉन्स्ट्रिक्टेड है एंड लास्ट वन कैरेक्टर कौन सा लिया फोर

इन ट्रेड्स के बारे में वो करना क्या चाहता है वो इन ट्रेड्स के बारे में बताएगा कैसे पता कैसे चलेगा आपको कि ये ट्रेड्स जो हैं वो ट्रेड्स किस तरह से इनहेरिट हो रहे हैं इनहेरिटेंस शो कर रहे हैं सो so, स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि ये किस तरह से इनहेरिटेंस शो कर रहे हैं हमारे ग्रेगर जोन मैंडल ने सेवन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लिया और एट अ टाइम सिंगल कैरेक्टर को लेकर के स्टडी किया एट अ टाइम स्टूडेंट्स सिंगल कैरेक्टर को लेकर के स्टडी किया सो so, स्टूडेंट्स उन्होंने किया क्या इन कैरेक्टर इन ट्रेड्स का कैरेक्टर्स का उन्होंने रिप्रोडक्शन करा दिया उन्होंने क्रॉस करा दिया उन्होंने क्या करा दिया स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन करा दिया एक जनरेशन में नेक्स्ट जनरेशन में देखा कि अब क्या मिल रहा है नेक्स्ट जनरेशन में कौन सा कैरेक्टर इनहेरिटेंस हो रहा है कौन से कैरेक्टर की हेरिडिटी शो हो रही है सो so उन्होंने अपने अपने किसके साथ में अपने ट्रेड्स के साथ में क्रॉस करा करके लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कंक्लूड किया सो आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं वॉट ही वॉज थिंकिंग टू डू विद ट्रेड्स वो इन ट्रेड्स के साथ में आखिर करना क्या चाहता था प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग उन्होंने नई नई ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन कराते रहा कराते रहे कैसे प्रोडक्शन कराया बाय क्रॉसिंग इन को क्रॉस करवा करके फॉर एग्जाम्पल पर्पल फ्लावर लिए और वाइट फ्लावर लिए सो पर्पल फ्लावर एंड वाइट फ्लावर वाले प्लांट को उन्होंने क्या करा दिया क्रॉस करा दिया क्या करा दिया स्टूडेंट्स क्रॉस करा दिया बाय क्रॉसिंग दीस प्लांट्स एक और बात हम प्लांट में अगर क्रॉस की बात करें प्लांट में अगर रिप्रोडक्शन की बात करें स्टूडेंट्स तो प्लांट में रिप्रोडक्शन के क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में हम हमारे रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़कर आए स्टूडेंट्स फिर भी एक बार आप इधर देख लो प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स एंथर उसे हमने क्या कहा एंथर जो किसका प्रोडक्शन करेगा स्टूडेंट्स पोलिन ग्रेन का या हम बोले गेमिट्स का प्रोडक्शन करेगा किसका पोलिन ग्रेन का या गेमिट्स का वही हम देखें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है ओवरी जो किसका फीमेल गेमीट का प्रोडक्शन करेगी क्या करेगी ओवम so का फॉर्मेशन हो रहा है क्या हो रहा है गैमिट्स का फॉर्मेशन हो रहा है सेकेंड पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट सेकेंड पॉइंट होता है कि पोलिन ग्रेन का एंथर से निकलकर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी ओवरी में भी स्टूडेंट्स तक तक पहले इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या पिस्टल के के स्टिग्मा तक आप देख कर ऑलरेडी इसको रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लॉरिंग प्लांट्स आप क्या कह रहे हो मेल रिप्रोडक्टिव गेमिट्स का मेल पार्ट से एंथर से निकल करके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की स्टिग्मा तक पहुंचना दैट प्रोसेस इज पॉलिनेशन सो क्या हुआ स्टूडेंट्स पॉलिनेशन की प्रोसेस हुई आफ्टर पॉलिनेशन हमने पॉलिनेशन की प्रोसेस कर ली आफ्टर पॉलिनेशन अगर हम देखें तो पॉलिनेशन के बाद में क्या हुआ बच्चों पॉलिनेशन के बाद दोनों का फ्यूजन हुआ फर्टिलाइजेशन हुआ फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन जाइगोट बनेगा एम्ब्रियो बनेगा यस सीड फॉर्मेशन उस सीड को आप ग्रो करा दो दैट इज इन नेक्स्ट जनरेशन ये क्या बनी स्टूडेंट्स दैट इज नेक्स्ट जनरेशन सो ये सब हम किसके अंदर देख कर आए हैं ये सब हम देख कर आए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लॉरिंग प्लांट्स में सो so, हमने क्या किया वॉट ही वॉज थिंकिंग टू डू विद दीज ट्रेट्स बाय क्रॉसिंग दीज प्लांट्स इनमें क्रॉस करा दिया क्रॉस कैसे कराया इन प्रोसेसिस से उन्होंने क्रॉस करा दिया पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट्स Point clear students, इन सब से उन्होंने क्या कर दिया क्रॉस करा दिया Next, हमने देखा कि उन्होंने क्या discover किया? He calculated the of the with the particular traits. अब जितने भी सीड बने जितने भी सीड बने ऐसा क्रॉस कराने पर सबको उन्होंने अपने गार्डन में ग्रो करा दिया ग्रो करा करके उन्होंने अब calculate किया क्या रहा? कुछ में क्या सभी में पर्पल फ्लावर थे क्या सभी में कैसे फ्लावर थे पर्पल फ्लावर थे या सभी में व्हाइट कलर के फ्लावर थे या कुछ में पर्पल कुछ में व्हाइट कलर के फ्लावर थे क्या कुछ में नए ही फ्लावर थे तो उन्होंने क्या किया कैलकुलेटेड परसेंटेज ऑफ दी ऑफ स्प्रिंग विद पर्टिकुलर ट्रेड एक पर्टिकुलर ट्रेड से उन्होंने क्या कर दिया कैलकुलेट किया ऑफ स्प्रिंग को मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट की कि बहुत ही अच्छी बात कही मेंडल मेड सेवरल क्रॉसेज ऑफ पी प्लांट उन्होंने अलग अलग कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व करके बहुत सारे क्रॉस कराए इन्वॉल्विंग ओनली वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स बट उन्होंने क्या किया एक टाइम पर एक ही ट्रेट को लेकर के स्टडी की जो ट्रेट उन्होंने चूज किया सिर्फ उसी पर उन्होंने फोकस किया अगर वो हाइट ऑफ द प्लांट देख रहे टॉल एंड डेइट टॉल एंड डॉफ ही देखी स्टूडेंट पॉड कलर कैसा भी हो शेप ऑफ पॉड कैसा भी हो फ्लार कलर कैसा भी हो फ्लार पोजिशन कैसी भी हो सीड कैसा भी हो उन्होंने उसकी स्टडी नहीं की अगर वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर को लेकर के स्टडी कर रहे हैं दैट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या कहा उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस और अगर दो को लेकर स्टडी कर रहे हैं तो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या कहा स्टूडेंट्स डाई हाइब्रिड क्रॉस सो उन्होंने या तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया या डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में सो सपोज उन्होंने टॉल प्लांट एंड प्लांट को लेकर क्रॉस कराया तो रिजल्ट क्या मिले उन्होंने

टॉल प्लांट एंड डॉ प्लांट जो लिए उन्हें कहा फर्स्ट पेरेंट्स फॉर क्रोसिंग तो कौन से जनरेशन है फर्स्ट पेरेंट है तो पी वन जनरेशन उन्होंने कहा पेरेंटल जनरेशन पेरेंट जनरेशन पी वन जनरेशन पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट्स सो उन्होंने कहा पॉइंट पी वन जनरेशन अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिजल्ट क्या निकाला उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जो परफॉर्मेंस थी उस परफॉर्मेंस से क्या कंक्लूजन निकाला या मोनोहाइब्रिड क्रॉस उन्होंने कैसे किया सो स्टूडेंट्स आइए हम देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे स्टूडेंट्स सो रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस लेट्स रिजल्ट मेंडल गॉट आफ्टर हिज फर्स्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस सो मेंडल क्रॉस्ड अ टॉल पी प्लांट विद अ पी प्लांट तो पेरेंट जनरेशन कौन सी हो गई एक तो टॉल हो गया एक डॉफ हो गया आप एक का मेल कैरेक्टर ले लो मेल गैमेट ले लो एक का फीमेल गैमेट ले लो फीमेल कैरेक्टर ले लो So, हमने देखा स्टूडेंट टॉल प्लांट को क्रॉस कराया किससे डॉफ प्लांट से मेंडल ऑब्जर्व्ड ऑल द प्लांट्स वर टॉल इन फर्स्ट जनरेशन मेंडल ने जो फर्स्ट जनरेशन देखी क्रॉस कराने पे जो सीड मिले उन्हें ग्रो कराया ग्रो करा करके जो फर्स्ट जनरेशन उन्होंने देखी वो सारे कैसे थे फर्स्ट जनरेशन मेंडल थॉट इफ ऑल प्लांट्स आर टॉल देन वेयर डिड द डॉफ कैरेक्टर गोन सभी प्लांट्स कैसे आए स्टूडेंट सभी प्लांट्स टॉल आए सभी प्लांट्स के टॉल आते ही डॉफ कैरेक्टर क्या हो गया क्या एक्सट्रिंक्ट हो गया क्या एक्सट्रिंक्ट हो गया डॉफ कैरेक्टर पर डॉफ कैरेक्टर एक्सट्रिंक्ट कैसे हो सकता है क्या सप्रेस हो गया मास्क हो गया क्या हुआ डॉफ कैरेक्टर का सो so, Mendel ने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जो डॉफ कैरेक्टर है वो डॉफ कैरेक्टर कहाँ चला गया फिर मेंडल ने जो फर्स्ट जनरेशन में प्लांट मिले टॉल प्लांट उन्हीं में सेल्फ पॉलिनेशन सेल्फ द फर्स्ट जनरेशन उन्होंने क्या कर दिया उन्हीं का क्रॉस कराया मेंडल ऑब्सर्वड देर आर थ्री प्लांट्स आर टॉल मतलब अगर देखें तो सेवेंटी फाइव परसेंट आर टॉल प्लांट्स बट सेकेंड जनरेशन में उन्होंने डॉफ प्लांट को भी ऑब्जर्व किया दे वन देव प्लांट इन देशन सेकेंड जनरेशन जनरेशन में उन्होंने एक और डॉफ प्लांट को भी क्या किया ऑब्जर्व किया सो स्टूडेंट वो क्या कंसिडर कर सकता है एक बार ध्यान से देखिए वो ये कंसिडर कर सकता है स्टूडेंट दैट की जो डॉफ कैरेक्टर था ये डॉफ कैरेक्टर न एक्सटिंक्ट हुआ क्या अगर ये एक्सटिंक्ट हो जाता तो क्या ये नेक्स्ट जनरेशन में शो होता ये नेक्स्ट जनरेशन में शो नहीं होता सो so, स्टूडेंट्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में गार्डन पी प्लांट को चूज किया गार्डन पी प्लांट को चूज करके उसके सेवन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को चूज किया आफ्टर चूजिंग द सेवन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स स्टूडेंट्स उन्होंने क्या किया जैसे ही सेवन कैरेक्टर्स को उन्होंने चूज़ किया उन्होंने एक टाइम पर एक ही कैरेक्टर को लेकर स्टडी किया मोनो हाइब्रिड क्रॉस दो को लेकर स्टडी किया डाय हाइब्रिड क्रॉस सो सबसे पहले हम अगर एग्जांपल देखें तो प्ला, टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट में क्रॉस कराया पेरेंट जनरेशन फर्स्ट क्रॉस जिनमें करा रहे हैं दैट इज पेरेंट जनरेशन उनसे जो जनरेशन बनी दैट इज फर्स्ट फीलियल जनरेशन फर्स्ट जनरेशन उनमें सेल्फ क्रॉस कराया दैट इज सेकेंड जनरेशन इस बेसिस पर मेंडल ने अपनी कुछ टर्मिनोलॉजीज भी दी स्टूडेंट्स सो आई होप स्टूडेंट्स आपको मेंडल का लाइफ समझ आया हो मेंडल के एक्सपेरिमेंट क्लियर हो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसे चूज किया गार्डन पी को चूज किया अपनी सारी साइंस एंड मैथमेटिक्स की नॉलेज को यूज करके उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया नेक्स्ट लेक्चर में हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है उसको और डिटेल में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ग्रेगर जोन मेंडल उनका बर्थ कब हुआ उनका लाइफ स्पान पूरा क्लियर हो स्टूडेंट्स सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स एंड गॉड ब्लेस यू